हेलो बच्चों, आज मैं आपको एप्लीकेशन राइटिंग करवाऊंगी। एप्लीकेशन क्या होता है? जब आपको कहीं जाना होता है या आपको छुट्टी लेनी होती है तो आपको क्या एक रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होती है कि आपको एक प्रूफ हो कि आपने छुट्टी लिया है। जैसे आप कभी स्कूल भी जाते नहीं जाते हो तो भी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है प्रिंसिपल को, या वैसे भी कुछ जैसे आपको काम कराना होता है तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिससे कि आपका वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो सके और काम हो सके। जैसे यू आर आरती, जो लड़की होगी वो आरती होगी और लड़का क्या होगा? ओम, और डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा का है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, किसको एप्लीकेशन लिखना है? टू योर प्रिंसिपल, जिस आप स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। आस्किंग फॉर 3 डेज लीव, क्या आपको बोलना है 3 डेज की लीव, लीव मतलब छुट्टी। आउट ऑफ स्टेशन, आप कहाँ जा रहे हो? आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन मतलब होता है आप जिस शहर में रहते हो उससे आप कहीं बाहर जा रहे हो। एज यू हैव टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर फैमिली फंक्शन इन हरियाणा, इसलिए आप आउट ऑफ स्टेशन से बाहर जा रहे हो, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फैमिली फंक्शन के लिए हरियाणा जाना है। अब मैं इसकी फॉर्मेट आपको पहले बताऊंगी कैसे लिखा जाता है। पहले आपको क्या लिखना होगा? टू मतलब जिसको आप लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। कहाँ के प्रिंसिपल हैं? हरियाणा, टू द प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा। डेट क्या है आज? जैसे मैं आपकी वीडियो, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, आज की डेट है 21 सितंबर 2024। बच्चों, आपने यहाँ पे आपने लिख लिया कि पहले आप किसको लिख रहे हो, टू द प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा, फिर डेट 21 सितंबर 2024। अब आपको क्या डालना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब है कि आप किस विषय में लिख रहे हैं, किसके लिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? एप्लीकेशन फॉर आउट स्टेशन लीव। आपको यहाँ पर बताना है कि किसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर आप अपनी बात कहोगे पहले आप रिस्पेक्टेड, बड़ों को आप रिस्पेक्ट देते हैं ना, उसी तरह रिस्पेक्टेड मैम लिखा। फिर आप उसको नीचे से फिर स्टार्ट करोगे, आई वुड लाइक, LIKE लाइक टू इनफॉर्म यू दैट आई एम नॉट attend the school for 3 days as I
हैव टू विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स जानते हो बच्चे कौन होते हैं आपके? दादा दादी. ग्रैंड पेरेंट्स टू अटेंड फैमिली फंक्शन इन कहाँ पे? आपको हरियाणा. काइंडली गिव मी लीव फ्रॉम. आप फिर आप डेट मेंशन करोगे फ्रॉम 24 सितंबर टू. अब तीन दिन आगे कर लीजिए. 24, 25, 26, 27 सितंबर 2024. आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. यहाँ पे आपको डालना है थैंक्स. आप जैसे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट क्या लिखते हैं? योर्स ओबीडियंटली. आपका आज्ञाकार. ओबीडियंटली मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी. ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई. आपको ओबीडियंटली आपका कम जैसे आपका वहाँ पर नेम दिया था ना, अगर लड़का होगा तो ओम होगा और लड़की होगी तो आरती. तो योर ओबीडियंटली आरती. आप यहाँ पे क्लास भी मेंशन कर सकते हो. क्लास 4. आपको आगे पे जो भी सेक्शन हो वो भी आप सेक्शन डाल सकते हो. 4 ए ब्रैकेट में मैंने आप वो सेक्शन डाल दिया. अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना. साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है कि आपको जो भी डाउट हो.